नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 12 5G मोबाइल में ऐप को हाइड कैसे किया जाएगा। दोस्तों आप अपने मोबाइल की किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो, जिसको भी ऐप हाइड कर जिस भी ऐप को आप हाइड कर दोगे वो ऐप दोस्तों आपकी होम स्क्रीन से हाइड हो जाएगा, आप किसी को भी नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐप को हाइड करने के लिए आपको अपना सेटिंग ओपन करना, सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों ऊपर सर्च बॉक्स में आपको लिख देना है हिडन। जैसे दोस्तों यहाँ पे सर्च बॉक्स में हिडन करके सर्च कर दोगे, आपके मोबाइल की सेटिंग में कहीं भी रहेगा, सबसे ऊपर हिडन ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपने जो भी पैटर्न बना के रखा वो पैटर्न आपको डाल देना है। अगर आपने नहीं बनाया होगा तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। दोस्तों मैंने पहले से बनाया वही यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल की जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी वो सारी एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी। जो भी एप्लीकेशन आपको हाइड करना है उसके सामने टिक इनेबल करना है। तो यहाँ से हम इंस्टाग्राम हाइड करेंगे, तो दोस्तों यहाँ से इंस्टाग्राम के सामने टिक इनेबल कर देंगे और दोस्तों यहाँ से सक्सेसफुली हमारा इंस्टाग्राम हाइड हो जाएगा, यानी कि होम स्क्रीन से हाइड हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं हमारा इंस्टाग्राम हाइड हुआ है या नहीं। दोस्तों यहाँ से देख सकते तो कहीं भी हमारा इंस्टाग्राम देखने को नहीं मिल रहा, इसका मतलब सक्सेसफुली हाइड हो चुका है। तो दोस्तों ये तो रही बात इंस्टाग्राम हाइड करने की, यानी कि ऐप हाइड करने की। अब दोस्तों आप जो ऐप हाइड किया उसको चलाएंगे कैसे, देखेंगे इसे। तो दोस्तों हाइड वाली ऐप को चलाने के लिए आपको दो उंगली लेना है, स्क्रीन पर रख के इस तरह से पिक्च आउट करना है। तो दोस्तों आपकी आपने जो पैटर्न बनाया था वो पैटर्न आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों हाइड वाली ऐप आपकी यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से आप हाइड वाली ऐप को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप Redmi Note 12 5G मोबाइल में किसी भी ऐप हाइड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।